भारतीय रेलवे की खबर से। भारतीय रेलवे ने पहली बार स्वच्छ भारत मशीन की शुरुआत की है। इस मशीन में खाली पानी की बोतलें या कोल्ड ड्रिंक के जो टिन्स होते हैं, कैंस होते हैं, उनको डाल दीजिए आप, और इसको डालने के बदले में आपको डिस्काउंट कूपन मिलेंगे। है ना ये अच्छी बात। और ये पूरा मिशन क्या है, यानी मशीन क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय रेलवे ने कचरे की सफाई से कमाई का अनोखा तरीका प्लान किया है। रेलवे की इस योजना में एक तरफ जहां रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता बढ़ेगी, वहीं हर वो शख्स जो साफ सफाई को लेकर संजीदा होगा, उसे कई तरह के डिस्काउंट और कूपन हासिल होंगे। कुछ कुछ एटीएम जैसी दिखने वाली इस मशीन से भी पैसा निकलता है, लेकिन इसका तरीका जरा हटकर है। यानी इसमें पहले आपको कचरा देना होगा, उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। स्वच्छ भारत मशीन में आप खाली बोतल डालेंगे तो बदले में आपको डिस्काउंट कूपन, मोबाइल रिचार्ज कूपन जैसे कई फायदे मिलेंगे। आने वाले वक्त में स्वच्छ भारत मशीन आपको कई रेल जंक्शनों पर दिखाई दे सकती है। फिलहाल इसकी शुरुआत मुंबई की एक संस्था और रेलवे ने मिलकर चर्चगेट स्टेशन पर की है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी हमने चर्चगेट पे ये मशीन स्टार्ट की है। अगर इसका प्रतिसाद अच्छा मिलता है और यात्री इसको काफी हद तक इस्तेमाल करते हैं और सराहना मिलती है, तो हम इसको अगले 10 और सब अर्बन स्टेशन पे लगाने का प्लान करेंगे। जो फुटबॉल से स्टेशन पे, उसके देखते हुए हमने जहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है और जहाँ इस तरीके के ज़्यादा डिस्पोजल्स होता है हमें नोटिस के, वहाँ ये मशीन हम लगाएंगे। स्वच्छ भारत मशीन की लागत 7 लाख है। ऐसी 20 मशीनें वेस्टर्न रेलवे के 10 स्टेशन पर लगाई जाएंगी। मुंबई सेंट्रल, दादर, बांद्रा लोकल, बांद्रा टर्मिनस, सांता क्रूज, अंधेरी, गोरेगांव, बोरीवली और भायंदर। अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि ये जो भी इनिशिएटिव लिया है, जिस भी इंस्टीट्यूशन ने लिया है, ये इंस्टीट्यूशन ने काफी अच्छा काम किया है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ मुंबई में नहीं तो पूरे देश भर में जहाँ पे भी हम लोग रहते हैं, चाहे छोटा छोटा गांव का या गली में, इस तरीके की मशीन आनी चाहिए। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, बिकॉज अंडर स्वच्छ भारत अभियान वी हैव कम अप विद दिस मशीन। और इस मशीन में द बेस्ट पार्ट इज दैट ये लोगों को इंसेंटिवाइज करती है, तो इनिशियली ये बिहेवियर चेंज आ जाता है लोगों में। एंड स्लोली स्लोली जब उनको पता चलेगा कि आपको डस्टबिन के बजाय अगर आप ये बॉटल इसमें डालेंगे तो उनको कूपन मिलता है। या तो 4 ऑप्शंस हैं, डोनेशन कर सकते हैं, यू कैन गिव अ रिचार्ज कूपन, और अभी हमारी बात चल रही है टाई अप डिफरेंट कंपनी, वहाँ पे आपको 5-10% आपको डिस्काउंट मिल सकता है खाने के लिए और रिचार्ज कंपनी। कूड़े को कैश में बदलने वाली ये मशीन बड़ी तेजी से अपने काम को अंजाम देती है। इस मशीन में 5,000 बोतलें क्रश करने की क्षमता है। एक बोतल को रिसाइकल होने में महज 6 सेकंड लगते हैं। ये मशीन एल्यूमिनियम कैन को भी स्कैन करने के बाद क्रश कर सकती है। मशीन में जमा होने वाला क्रश प्लास्टिक बोतल से चिप्स में तब्दील होता है। रिसाइकल होने के बाद ये कपड़े, कॉर्पोरेट और थैलियां बनाने में कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपको दिखा देते हैं कि ये मशीन आखिर काम कैसे करती है। इस वक्त आपको इस मशीन पर एक डिस्प्ले पिक दिखाई दे रही होगी और जहां पर लिखा है पुट बॉटल, इसे हमें क्लिक करना है। इसके बाद तुरंत ये आपको दिखाई दे रहा होगा पुट बॉटल की जगह ओपन हो जाती है। ध्यान ये रखना है कि आपकी जो खाली बॉटल है उसका बारकोड का जो एरिया है वो इस ऊपर की तरफ होना चाहिए, तभी ये बॉटल अंदर जाएगी। ये स्कैन करेगा कि आप जो इसमें बॉटल डाल रहे हैं वो प्लास्टिक या केन की हो। उसके तुरंत बाद उस बॉटल को क्रश किया जाएगा, वो पूरा मटेरियल मशीन के इस नीचे वाले हिस्से में जमा होगा। उसके बाद आपको डिस्प्ले प्लेट पर दिखाई देगा गेट नाउ, क्या मिल रहा है हमें खाली बॉटल डालने के बदले में। जी हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान भी देना है कि लिमिटेड टाइम के अंदर होना चाहिए। डोनेशन है, कूपन है, कूपन पर हम क्लिक कर देते हैं, मोबाइल रिचार्ज आपको मिलता है। हमने कूपन पर क्लिक कर दिया और यहाँ हमें कन्फर्म करना है, हमें यहाँ दिखा भी रहा है कि हमने क्या क्वांटिटी डाली है और उसके बदले में फिलहाल ये मशीन मुझे क्या दे रही है। मैंने जो बिस्लेरी की खाली बॉटल डाली जिसकी कीमत अगर आप अंदाजा लगाएं तो कुछ पैसे भी नहीं है, 2 पैसे की भी नहीं होती वो खाली बॉटल, उसके बदले में मुझे 5 रुपए का कूपन मिल रहा है। इसके अंदर एक क्रशर है जो इस बॉटल को पूरा क्रश करके चिप्स बनाता है। इसकी कैपेसिटी जो है ये 5,000 बॉटल एक दिन में जमा कर सकता है, तो हमें उसको 5,000 के बाद में यू नीड टू क्लीन और क्लियर द चिप्स और स्क्रैप। स्वच्छ भारत मशीन को फायदे का डिब्बा कहना गलत नहीं होगा। ये मशीनें रेलवे स्टेशन को साफ सुथरा बनाने का अहम औजार साबित हो सकती हैं, क्योंकि ये मशीन सफाई के साथ साथ कमाई का जरिया भी बनने वाली है। तो भारतीय रेल, स्वच्छ रेल, अब ये सिर्फ जुमला नहीं रह जाएगा, क्योंकि
समय में हर स्टेशन पर नजर आएगी, जिसमें आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए खाली बॉटल्स को इन मशीन में डाल सकते हैं। उसके बदले में भारतीय रेल और वोकार्ड फाउंडेशन आपको खाली नहीं डालने देंगे, आपकी इस अच्छे काम के लिए पीठ भी थपथपाएंगे। कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। दरअसल रेल पटरियों पर कचरे का कब्जा अमूमन हमने देखा है, क्योंकि प्लास्टिक का ही कचरा होता है, तमाम बॉटल्स रहती हैं पटरियों पर। नजर डालें और भारत में रेल पटरियों पर रोज, अगर हम आपको आंकड़ा बताएं, तो लगभग 6,300 टन प्लास्टिक कचरा जमा होता है। अगर सिर्फ राजधानी दिल्ली की बात करें तो सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 2000 किलो कचरा हर दिन जमा होता है। हर रोज लगभग 6,000 बॉटल्स रिसाइकिल की जाती है। राजधानी में 3 प्रमुख स्टेशन हैं जहां रोज 6,758 किलो प्लास्टिक कचरा जमा होता है। अंदाजा लगाइए कितना ज्यादा है ये। आगे बढ़ते हैं।